और अपने तबके में शामिल सिख समाज ने भी कर्नाटक हुकूमत से गुरु नानक देव की यौम पैदाइश के दिन छुट्टी का मुतालबा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। श्री गुरु सिंह सभा की जानिब से सिख समाज ने रियासती हुकूमत से अपने पेशवा के यौम पैदाइश पर छुट्टी का मुतालबा किया है। गुरु नानक देव के यौम पैदाइश पर ज्यादातर रियासतों में छुट्टी रहती है। इस मौके पर बेंगलोर से अमृतसर के लिए रोजाना ट्रेन चलाने की भी मांग की गई। बहुत सारी पब्लिक कर्नाटका से अमृतसर के लिए गोल्डन टेंपल के दर्शन के लिए जाती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एक ट्रेन भी चलाई जाए यहाँ से और गुरु नानक देव जी की छुट्टी का भी ऐलान किया जाए, क्योंकि हमारा सिखों का बहुत पुराना इतिहास है कर्नाटका के साथ। इधर में गुरु नानक देव जी खुद आए और वहाँ के पानी के लिए समस्या दूर की, और हम मैसूर में भी टीपू सुल्तान जी के साथ भी हमने जो युद्ध लड़े अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके लिए भी हमारा बहुत योगदान है। तो मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि ये दो डिमांड हमारी जल्द से जल्द पूरी की जाए। 1 लाख से भी ज्यादा की आबादी वाली रियासत में सिख और जैन तबके के लिए मौजूदा बजट में 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पहली मर्तबा अकलियतों के बजट में सिख तबके को भी अहमियत मिली है, जिसे देखते हुए समाज ने हुकूमत के सामने दीगर मुतालबात भी रखे हैं। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से वक्त के लिए, लौट रहे हैं सलाम।